हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास टेंथ टर्म सेकंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। तो क्या बोला गया है कि हमारे पास एक टॉय है, वो किस फॉर्म में है, कोन की, जिसका रेडियस हमें गिवन है 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। वो कोन किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर के। तो देखिए फिगर कैसे बनेगी इसकी। ये है हमारा एक हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर बनाया गया है हमारा कोन, ये है हमारा कोन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जो इसका रेडियस दे रखा है, जो एक कोन का रेडियस होगा, इसे समझ में आता है कोन का रेडियस हमारा सेम किसका होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। वो हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस। सेम रेडियस बोला है ना, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और कह सकते हैं 7/2, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में। अब बोला था टोटल हाइट ऑफ ए टॉय, ये जो टॉय है इसकी टोटल हाइट, टोटल हाइट मीन्स यहां से यहां तक पूरी टोटल हाइट कितनी देर की हमें, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय मतलब इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मतलब हमें पहले कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा टॉय का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारा कौन है, उसकी हमें जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का वो क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कौन का, पाई आर एल। एल क्या होती है, लेटरल हाइट। तो देखिए लेटरल हाइट यहाँ दे रखी है, नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं लेटरल हाइट, पहले तो हम इस कोन की हाइट निकालते हैं। कोन की हाइट कैसे हो जाएगी, पहले समझ लेते हैं कैसे होगी कोन की हाइट। यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी है, 15 है, ठीक है। अब हमें पता है ये एक हेमिस्फीयर है, इसका यहां से यहां तक भी कितना होगा, 3.5 होगा, क्योंकि ये भी इसका रेडियस इतना होगा। तो देखिए अगर हम 15.5 में से 3.5 माइनस कर लेते हैं, 15.5 में से माइनस 3.5, यानी ये जो पूरा 15.5 है उसमें से हम इतना, जितना ये कोन हेमिस्फीयर का है 3.5, उसको माइनस कर देंगे तो क्या हमारी कोन की हाइट आ जाएगी, तो हमारी कोन की हाइट इससे निकल जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपली माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल इतनी थी 15.5, और यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक रेडियस कितना है, 3.5 है, तो ये भी यहां से लेके यहां तक 3.5, क्योंकि ये भी रेडियस है, तो हमें 3.5 माइनस कर दे इस साइड से 15 में, तो ये हाइट आ गई हमारी कोन की, यहां से लेके यहां तक कितना गया, 12 सेंटीमीटर, इतनी हाइट, ठीक है, जो कि हमें नीड है। अब हमें निकालना है L, क्योंकि हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए हमें इस पूरे टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया पूरे टॉय का निकालना, पहले हम इसका निकालेंगे फिर कोन का निकालेंगे। तो देखिए हेमिस्फीयर का जो हम ये है, सिंपल पहले यहां समझ लेते हैं कि हेमिस्फीयर हमारा इतना सा, ठीक है। तो एक तरह से एक खोखला हेमिस्फीयर है, ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर माउंटेड क्या है, हमारा एक कोन माउंटेड है। तो हम क्या करेंगे, कोन का पहले हम लेंगे लेटर सरफेस एरिया, देन करेंगे हेमिस्फीयर का लेटर सरफेस एरिया, फिर दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय का, सिंपल सा, ठीक है। अब हमें पता है कोन का जो लेटर सरफेस एरिया, जो हमने मैंने पहले भी लिखा था टोटल सरफेस एरिया लिखा था, बट वो क्या है, कोन का लेटर सरफेस एरिया है पाई आर एल। तो एल कैसे निकलता है, एल के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा एल निकालने का फॉर्मूला होता है, एल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से है, ये फॉर्मूला कैसे आता है हमें पता है। देखिए इस तरह का हमारा कोन होता है, एक तरह से ट्रायंगल जैसे शेप का, ठीक है। तो इसे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, इस तरह से यहाँ 90 होता है, ये हमारा एल होता है, ठीक है। एल कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो सिंपली ऐसे करके हमारा ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। तो इसे निकाल लेते हैं वैल्यूज पुट करके। देखिए एच, एच हमने निकाला था, हमें कोन की एच लगानी है इसमें, ठीक है, क्योंकि हम कोन का यूज करते हैं, हमारा 12 का स्क्वायर, आर हमारा कितना है 3.5, 3.5 ना लेते हम 7.2 लेते, क्योंकि पॉइंट का निकालने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 7.2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 7.2 कर लेते हैं, 7.2 का होल स्क्वायर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 प्लस 7 का 49 और 2 का क्या होता है 4,
एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा 576 प्लस 49 अपॉन 4, इतना, ठीक है। सिंपल सा इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा, जब हम इस पूरे को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 625 अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर। अब इसे अंडर रूट से बाहर, 625 किसका स्क्वायर होता है हमारा 25 का, 4 किसका स्क्वायर, ये, तो ये हमारी जो एल है वो आगे हमारे 25/2 आ गई, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एल विल बी इक्वल टू 25/2, ठीक है। अब हमें इसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे टॉय का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ठीक है। तो निकालते हैं, एल निकालना सीख लिया हमने, अब देखिए करते हैं इसे, लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्या हो जाएगा, सी एस ए लिखो चाहे कर्व सरफेस, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें कोन का सी एस ए और हेमिस्फीयर का सी एस ए को ऐड करना है। कोन का सी एस ए हमें पता है कितना होता है पाई आर एल, और कोन का सी एस ए हमें पता है कितना होता है 2πr² वैल्यूज पुट कर लेते हैं दोनों में से, अगर पाई निकालना चाहें तो पाई निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना चाहे तो वैसे सॉल्व करके कर लेते हैं, ठीक है सिंपली। तो देखिए पाई निकाल लेते हैं बाहर, आर एल प्लस यहाँ आ जाएगा 2r², चाहे आर स्क्वायर भी दोनों का सेम था वैसे भी निकाल सकते थे इसको। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं 22/7 से यहाँ पुट कर लेते हैं, आर कितना है हमारा, हमने आर हमें पता है 7.2 और एल हमने निकाल कर 25/2, यहाँ से इसे कर लेते हैं सॉल्व, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। पाए पाए भाने इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेंगे, बाकी सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें अंदर से सब कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा एलसीएम लेके 275 प्लस 154 और नीचे आएगा अपॉन में हमारा 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 429 अपॉन 2 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप कर सकते हैं। हमें बस सीखने की चीज़ ये थी कि हमने पहले इसमें हाइट निकाली, हाइट हमें पता है माइनस करके, हम ऐसे क्वेश्चन करते ही आ रहे हैं कि जब हमें टोटल हाइट दी होगी तो उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये सिंगल हाइट आ जाएगी हमारी। देन हमें पता है सी एस ए में हमारा क्या लगता है, एल आता है, तो एल हमने निकाल लिया था फॉर्मूले से, ये हमारा एल था, ये हमने एल फॉर्मूले से निकाला है हमारा, एल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। फिर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लगाया तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमें सारी की सारी वैल्यूज पता थी हमने पुट की एंड देन आंसर का, ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, ये मैंने शॉर्ट में करके कर दिया है, आप इसे सॉल्व करिएगा आपका आंसर सही आ जाएगा। ये आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर्स का, ये हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय जो कि हमें चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट्स।